सिखाऊंगी कच्चे केले की सब्ज़ी कैसे बनते हैं। ये मैंने केला लिया है, बाकी के केला को मैंने छील लिया है। मैं आपको दिखाने के लिए मैंने दो केले लिए हैं। ये दो तरीक़े से आप काट सकते हैं केला को। पहले तो आप इसे काट लें दोनों साइडों से और इस तरीके से काट सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका ग्रीन हिस्सा बिल्कुल ना आए, ये बिल्कुल हट जाए, इस तरीके से आप काट लें। इसका छिलका बिल्कुल उतार लें इसी तरीके से। तो मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ, इस तरीके से फील कर लें पूरा। ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से फील हो चुका है, अब ये तैयार है। ये तो आप ये नॉर्मल जो लोग जैसे छीलते हैं वो है, और एक आसान तरीका है, इसको साइड से कट कर लेते हैं और नोक की सहायता से बीच से इस तरीके से कट लगा देते हैं। ज़्यादा अंदर डीप तक नहीं, बस थोड़ा ऊपर ही ऊपर इस तरीके से कट लगा लेंगे। इस तरीके से 3-4 कट लगा लेंगे और उसके बाद इसे देखें कितनी आसानी तरीके से छील लेते हैं। इसे यहाँ से थोड़ा सा चाकू की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे। ये एक पीस निकालने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, उसके बाद अपने आप ही ये देखिए इजी तरीके से ये निकल जाता है। ये देखिए कितना आसानी से ये निकल गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये देखिए कितना आसानी से ये हमारा छिल चुका है ये। तो ये था हमारा केला छीलने का तरीका। अब चलते हैं इसे काट लेते हैं। आप इस तरीके से ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, नॉर्मल तरीके से काट लें और इसे पानी में आधा घंटा भिगो के डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये केले मैंने काट लिए हैं, किस तरीके से काट लें। अब इसे हम पानी में डाल देंगे आधा घंटे के लिए। तो आप ये देख सकते हैं इसे मैंने पानी में डाल दिया, लगभग इसे आप आधा घंटे के लिए डाल दें, इसका जो भी कसैलापन है वो निकल जाएगा और इसका जो भी होगा वो सब निकल जाएगा पानी में। अब इसे साइड करते हैं और हमें इसका मसाला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए चलिए देखते हैं। तो हमें मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा प्याज, आप मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लें, दो टमाटर ले लें, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और ये स्वाद अनुसार नमक। अब इसे चलते हैं बना लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने कढ़ाई लिया, हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल डाल दिया, अब ये गरम हो जाएगा, अच्छा गरम हो जाए तो इसके अंदर डाल देंगे प्याज। हमारा तेल गरम हो चुका है, ये एक हमने प्याज डाल दी। अब हम इसे पका लेंगे, ब्राउन कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमारा प्याज पिंक हो चुका है। अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इतना काफ़ी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भून लेंगे। ये हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारा कटा हुआ टमाटर। इसे चला लेंगे 2 मिनट, ऐसे चला लेंगे। ये हमारा 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें ये सारे मसाले ऐड कर देंगे, गैस को फ्लेम कर देंगे, लो फ्लेम पर रख देंगे। ये हमारा धनिया पाउडर, ये हमारा हल्दी पाउडर
और ये गोल मिर्च, जीरा पाउडर और ये हमारा लाल मिर्च पाउडर और ये है स्वाद अनुसार नमक। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे पका लेते हैं, देख सकते हैं इसे अच्छी तरीके से भून लेते हैं। हमारा मसाला ऑयल छोड़ दिया है तो ये भून चुका है। अब इसमें हम अपना केला डाल देंगे। ये देख सकते हैं ये मैं इसके अंदर केला सारा ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे ढक के पका लेंगे। देख सकते हैं इसे मैंने ढक दिया 5 मिनट तक। इसे ढक के देख सकते हैं हमारा केले का सब्जी तैयार है। हम इसे खोल के देखेंगे, इसे चला लेंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब ये देख सकते हैं मैं इसे एक तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल गल चुका हमारा केला, तो ये लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इसे ऑफ कर देंगे। हमारा ऑयल छोड़ चुका है, हम इसे ऑफ कर देंगे। अभी हमारा केले का सब्जी बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कच्चा केले की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और कितना सुंदर देखने में लग रहा है। आप इसी तरीके से बनाएं और खाएं। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।